नया साल आने को है, लेकिन उससे पहले ही बाबा वेंगा की 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणी सबको डरा रही है कि अगर ये भविष्यवाणी सच हो गई तो दुनिया में कई तरह के उथल पुथल देखने को मिलेंगे। तो आने वाले साल को लेकर बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की है, जानने के लिए पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, आपके साथ मैं हूं अंकिता। बाबा वेंगा की साल 2024 को लेकर भविष्यवाणी एक बार फिर से चर्चाओं में बनी हुई है। पूरी दुनिया में ऐसा कौन होगा जो बाबा वेंगा के नाम से परिचित ना हो। उन्हें बालकन का नास्त्रदमस भी कहा जाता है। दरअसल बाबा वेंगा के पास भविष्यवाणी करने की असाधारण क्षमता थी, इसी की वजह से उन्हें बालकन के नास्त्रदमस के नाम से जाना जाता है। उनकी की गई 85% भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। बुल्गेरियाई रहस्यवादी एंजेलिया पांडेवा गुस्टेरोवा के नाम से जन्मी बाबा वेंगा की मृत्यु 26 साल पहले 1996 में हो गई थी। बाबा वेंगा ने कथित तौर पर 9/11 हमले और ब्रेग्जिट को लेकर भविष्यवाणियां की थी, जो कि सच साबित हुई। साथ ही उन्होंने प्रिंसेस डायना की मौत और सोवियत संघ के पतन की सटीक भविष्यवाणी भी की थी। बाबा वेंगा का जन्म 31 जनवरी 1911 में उत्तरी मैसिडोनिया में हुआ था। महज 12 साल की उम्र में ही वो अंधी हो गई थी। 2024 के लिए भी उन्होंने कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जैसे कि यूरोप में आतंकी हमले, पुतिन की हत्या और प्राकृतिक आपदा। ये भविष्यवाणियां काफी खतरनाक और डरावनी हैं। अगर बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को माने तो रूस की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बुरी खबर है। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि अगले साल पुतिन के ही देश में किसी के हाथों उनकी हत्या हो जाएगी। पुतिन पर कई बार हत्या के इरादे से अटैक भी हुए हैं। कई बार पुतिन के कैंसर होने की अफवाहें भी सामने आई हैं, लेकिन क्रेमलिन ने इस बात को कई बार खारिज किया। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार साल 2024 में कोई बड़ा आर्थिक संकट भी आ सकता है। दुनिया में कर्ज का स्तर बढ़ेगा, साथ ही जमीन को लेकर भी तनाव रह सकता है, जो कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला साबित होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आर्थिक शक्ति का पश्चिम से पूर्व की ओर स्थानांतरण। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि साल 2024 तक पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाएं और खराब मौसम कहर मचाएगी। दरअसल पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन हो सकता है, जो आमतौर पर लंबी अवधि में होता है, लेकिन अगर ये परिवर्तन जल्दी देखने को मिलेगा तो कोई भयानक प्राकृतिक आपदा आ सकती है। इसके अलावा धरती पर रेडिएशन भी अपना खतरनाक असर दिखाना शुरू कर देगा। बाबा वेंगा के अनुसार साल 2024 में साइबर हमला भी हो सकता है। हैकर्स पावर ग्रिड और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर हमला कर सकते हैं, जिससे दुनिया की बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। हैकर से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में भी पड़ सकती है। बाबा वेंगा ने साल 2024 को खतरनाक हथियारों वाला साल बताया था। उन्होंने कहा था कि एक बड़ा देश जैविक हथियारों का टेस्ट करेगा या फिर वो हमला करेगा। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की है कि यूरोप में आतंकवादी हमले किए जाएंगे। इसके अलावा बाबा वेंगा ने एक अच्छी भविष्यवाणी भी की है, जिसके मुताबिक साल 2024 में मेडिकल फील्ड से अच्छी खबरें आ सकती हैं। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2024 में कैंसर का इलाज संभव हो पाएगा। इसके साथ ही अल्जाइमर समेत असाध्य बीमारियों का नया इलाज भी मिल पाएगा। साल 2024 में क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ी खोज होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए कहा जाता है कि साधारण कंप्यूटर की बजाय इसमें तेजी से परेशानियों का हल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो अगले साल एआई की फील्ड भी बढ़ जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कॉमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।